हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल यूनिट थर्ड विविधता का अर्थ एवं प्रवर्तन। तो क्या है कि विविधता को जानने का प्रयास करते हैं कि विविधता होती क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो देखते हैं, भारतीय समाज में प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार की विविधता है। कहने का मतलब, पहले हमने एक जो पढ़ा है, कहा गया है कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। तो वही चीज यहाँ पर है कि भारतीय समाज में प्रारंभ से ही विविधता, विभिन्न प्रकार की विविधताएं रंग रूप संस्कृति जाति प्रजाति एवं धार्मिक रिलीजन के अतिरिक्त आनुवांशिक तथा खान पान के कारण भारत में शारीरिक विविधताएं भी व्यापक रूप से पाई जाती है। कहने का मतलब है कि देखो, रंग रूप की भी विविधता है, कई तरीके के यहाँ पर लोग हैं, काले व्हाइट या जो भी कलर है। संस्कृति कल्चर रीजनल भी हो सकती है, प्रादेशिक भी हो सकती है और अंतरराष्ट्रीय भी हो सकती है। जाति इसको कहते हैं, कास्टिज्म के आधार पर भी देखने को मिलती है। प्रजाति प्रजातियों के आधार पर भी देखने को मिलती है। कई प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, अलग अलग तरीके के लोग, उनकी अलग अलग संस्कृति खान पान, कई तरह की विविधताएं मिलती है। उनका रंग रूप जो उनकी शरीर का बनावट होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। धार्मिक रिलीजन, जैसे कई तरीके के लोग एक ही देश में कई धर्म के लोग निवास करते हैं, तो क्या होता है, सब में थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ विविधताएं जरूर होती है। के अतिरिक्त आनुवांशिक मतलब माता पिता या पूर्वजों से खान पान के कारण भारत में शारीरिक विविधताएं भी व्यापक रूप से पाई जाती है। मतलब इन विविधताओं के अतिरिक्त शारीरिक, शारीरिक का मतलब अक्षमता, जैसे कि विजुअल फिजिकल हियरिंग इस तरीके की पाई जाती है। इस कारण शिक्षा में भी विभिन्न प्रकार के समावेशन और पृथककरण की प्रक्रिया व्यापक रूप से प्रचलित है। समावेशन का मतलब होता है जोड़ना और पृथककरण का मतलब होता है अलग करना। तो क्या होता है, इस तरह की प्रक्रिया भी हमें क्या होती है, देखने को व्यापक रूप से मिलती है। सामाजिक तथा प्राकृतिक कारणों से भारतीय बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से पर्याप्त विविधताएं लिए हुए है। मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम बालक, यहाँ पर क्या है, डिसेबल्ड बालक भारतीय कक्षाओं में बहुत मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करिए सामाजिक और प्राकृतिक। सामाजिक आप जानते हैं, जैसे बच्चा बाल अपराधी हो गया है, चोरी करने लगा है, गलत आदतें पड़ गई है, नशा वगैरह करने लगा है, तो इस तरीके की प्राकृतिक में आप जानते हो, ऐसे कोई महामारी के कारण या आकाशीय बिजली वगैरह है या आग वगैरह है, तो क्या होता है, इससे भी क्या होती है, शारीरिक और मानसिक जो अक्षमताएं होती है वो क्या होती है, हो जाती है। साथ ही प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालक भी होते हैं। मतलब इन विविधताओं के बावजूद बालक कौन कौन से, प्रतिभाशाली गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड जो सामान्य से अधिक होते हैं वो भी क्या है, वो भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न संस्कृतियों से आए कटु अनुभवों से गुजरे एवं बाल श्रमिक मतलब वो छोटे बालक जो कम आयु में ही काम करने लगे हैं जाके, बालक भी भारतीय शिक्षा में विविधता को दर्शाते हैं। ये बालक नॉर्मल बालक तो है, क्या कर रहे हैं, बाल श्रमिक कर रहे हैं। शिक्षा की जगह क्या कर रहे हैं, जब उनकी शिक्षा की आयु है तब वो क्या कर रहे हैं, वो बाल श्रमिक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या एक विविधता ये भी भारतीय शिक्षा में क्या दर्शाती है। इन सभी प्रकार के बालकों के लिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किए गए, मतलब ऐसे परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि भारतीय शिक्षा में ये विविधता कोई समस्या ना बने वरन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो सके और वे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्य धारा का मतलब यही होता है कि बालक किसी भी प्रकार का हो, सामान हो या विकलांग हो या गिफ्टेड हो, कोई भी हो, उसमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, पर उसको क्या है, शिक्षा की मुख्य धारा, मतलब शिक्षा में उसको एक साथ ही लाना है, चाहे सामान्य बालक या जो अक्षम बालक है, उसको
जो आपकी एक कक्षा है उसमें क्या करना, उस बालक को जोड़ना है उन बालकों से, अगर अक्षम है तो सामान से, सामान को अक्षम के साथ कैसे एडजस्ट करना है, ये शिक्षा ही करेगी कि इन बालकों के साथ हमें किस तरीके का व्यवहार करना है, कैसे रहना है। तो कहा गया है कि जब भारतीय शिक्षा में विविधता कोई समस्या ना बन सके, कहने का मतलब है कि जो भारतीय शिक्षा में ऐसे मूलभूत परिवर्तन किए गए, ऐसी पॉलिसीज आई हैं, ऐसे प्रोविजंस आए हैं कि इन बालकों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं इन बालकों की, वो उन बालकों को मिले और ये शिक्षा भी मुख्य धारा से जुड़े, कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रहे, उसमें कोई सी भी विविधता हो, रंग रूप संस्कृति जाति प्रजाति धार्मिक या आकांक्षिक या फिजिकल या मानसिक या सामाजिक या संवेगात्मक, कोई सी भी विविधता है, पर क्या है उस बालक का सर्वांगीण विकास के लिए हम उसको क्या है मुख्य धारा में जोड़ना। तो इसी तरह से एक जो है हमारे विटलन महोदय का विचार है कि विविधता सभी संस्कृतियों से संस्कृतियों की विशेषता है, यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। सही बात है, ये कह रहे हैं कि जब एक समूह से दूसरे समूह, बिल्कुल सही बात है कि जब एक समूह से दूसरे समूह में विविधता होगी, ऐसी एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति, कहने का मतलब है चाहे वो क्षेत्रीय संस्कृति, आप शहर की संस्कृति देख लें और गांव की संस्कृति देख लें, विविधता आपको मिलेगी। आप किसी एक प्रदेश की देख लें, आप पूरब में देख लें, जैसे कि जितने भी ईस्ट के स्टेट हैं और आप वेस्ट के स्टेट देख लीजिए, आपको विविधता कहीं ना कहीं मिलेगी, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे खान पान के आधार पर, चाहे वेशभूषा के आधार पर। तो क्या होता है, इन इन विविधता के बावजूद हमें क्या है, सबको क्या है मुख्य धारा में लाना है, इन विविधता को हमें अलग कर देना है और भारत को समावेशी शिक्षा के तहत इनको मुख्य धारा में लाना है। यही विविधता का अर्थ है कि विविधता से हम कैसे इन सभी को मुख्य धारा से जोड़ सकते। धन्यवाद।